दोस्तों नमस्कार, हमारे फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल की यह वीडियो। लेकिन इस वीडियो के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। और वैसे भी आपको मेरा फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इंटरनेट, कंप्यूटर और एंड्रॉयड से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। और यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि इंग्लिश को हिंदी या हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं या अन्य किसी भाषा को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिलेगी। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर ओपन करना है। तो मैं यहाँ से प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। तो मैंने प्ले स्टोर को खोला और यहाँ पर हमने टाइप करना है ट्रांसलेट। तो यहाँ पर पहले से ही आ रहा है क्योंकि ये मैंने पहले सर्च किया था। तो यहाँ पर ट्रांसलेट ये हमने सर्च करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद ये देखिए 4.4 की इसकी रेटिंग है और ऐसा इसका लोगो है और ये गूगल ट्रांसलेट है। तो हमने इस पर क्लिक कर देना है। काफ़ी पॉपुलर ऐप है ये। ये देखिए 100 मिलियन डाउनलोड, यानी कि इतने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। 4.4 की इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने ये अपने मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है और मैं इसे अब यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। फिर मैंने क्लिक कर दिया और ये यहाँ पर ओपन हो गया है। तो हम यहाँ पर तीन तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है और यहाँ पर हिंदी, यानी कि जिसे हम जौन सी भाषा को हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आएगी। जैसे कि अगर हमने इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है तो वो हिंदी में कन्वर्ट होके आ जाएगी। और मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, ही इज ए मैन। तो ये मैंने टाइप कर दिया। ये देखिए इसकी हिंदी आ गई है कि वह एक आदमी है, ठीक है। और मैं यहाँ इसे गो कर देता हूँ। ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके किसी को पेस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ट्रांसलेट करके। और अगर हम हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है तो हम यहाँ से भी ये एरो के निशान बने हुए हैं तो ये अपनी जगह शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर हिंदी आ जाएगा इधरली साइड और यहाँ पर इंग्लिश आ जाएगा। तो हमने इस पर क्लिक करना है, ये हिंदी टू इंग्लिश हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, वह, ये मैंने वह टाइप कर दिया है। और ये देखिए इसकी इंग्लिश आ गई है दैट, और यहाँ पर इसकी डिक्शनरी आ जाएगी ही सी इट दैट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं और यहाँ से कोई भी लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, उस लैंग्वेज में हमें लिखना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी यहाँ पर लैंग्वेज हैं, कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बंगाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी लैंग्वेज मिल जाएंगी और यहाँ पर जिस भी भाषा में ट्रांसलेट करनी है यहाँ पर वो वाली लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। और आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ इसमें, और यहाँ पर कैमरा है, कैमरे पर हमने क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया कैमरे पर। और ये देखिए ये मेरे पास बुक है, अब इसमें इंग्लिश दी हुई है, इसकी ट्रांसलेट करनी है हिंदी में। तो हमने इसकी एक फ़ोटो खींच लेनी है अपने मोबाइल में। तो ये मैंने इसकी एक फ़ोटो खींच ली, अभी इसकी स्कैनिंग हो रही है। और ये स्कैनिंग होने के बाद ये देखिए ये जो उनसे अक्षर हैं उन पे डब्बे डब्बे बने आ गए हैं जो इसने स्कैन किए हैं। तो हमने क्या करना है, इस पर अपना हाथ टच करके सभी जगह पर फेरना है जितने भी अक्षर हैं। तो मैं इस पर फेर देता हूँ अपना हाथ ये।
तो ये मैंने कर दिया है और थोड़ी देर में इसकी हिंदी आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर हिंदी आ गई है, आप देख सकते हैं। तो हमने इसे यहाँ पर ये एरो का निशान है, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए क्लिक करने के बाद इसकी ये सारी हिंदी आ गई है, जलवायु क्या है, मौसम हर दिन बदलता है, और ऊपर इसकी ये इंग्लिश दी हुई है, व्हाट इज क्लाइमेट व्हाइल द वेदर चेंज। तो इस तरह हम इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक तरीका हो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका वॉइस का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करके हमने इंग्लिश में बोलना है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट किया और यहाँ पर हिंदी, तो उसकी हिंदी ऑटोमेटिक ही बन जाएगी। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ही इज ए मैन। तो ये देखिए ही इज ए मैन, वह एक आदमी है, तो इसकी भी हिंदी बन चुकी है। अब मैं इसे बैक करता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर देखिए तीसरी ऑप्शन है, ये ऐसा साइन है, हमने इस पर क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हाथ से टच करना है और कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इट लिखता हूँ, ये मैंने इट लिख दिया है, और ये देखिए इट माने यह है, तो यहाँ पर यह आ चुका है। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये तीन तरीके हैं, ठीक है ना। तो अब मैं, अगर आप इसकी जो सी हिस्ट्री है, यहाँ पर ये हिस्ट्री बन चुकी है, इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन निकालनी है आपने और सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद क्लियर हिस्ट्री कर देना है और यहाँ से यस कर देना है। तो ये जो उनसे हिस्ट्री है वो क्लियर हो गई है। और यहाँ पर एक ऑप्शन और है, SMS ट्रांसलेशन। जो उनसे भी आपको SMS वगैरह आते हैं वो आप यहाँ से डायरेक्ट ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें क्लिक किया, यहाँ पर ये सारे SMS खुल चुके हैं, और मैं इसे SMS को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद अभी इसकी हिंदी आ जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसकी हिंदी बना सकते हैं। ये थोड़ी हिंदी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इसमें। तो दोस्तों इसे मैं बैक करता हूँ। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।